अरे भैया हो गया क्या? अरे अभी कहाँ हो गया मैडम, दिक्कत तो समझ ही नहीं आ रही इसकी। भैया सर 5 मिनट रह गए हैं। कोई मैच वैच है क्या मैडम आज? फिर मैच नहीं है, इससे भी बड़ी बात है, मैं क्या बताऊँ आपको। इसका क्या हुआ? अरे भाई देख तो रहा हूँ, 5 मिनट सबर करोगे चाचा? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, बस एक छोटी सी तार हिल गई है ना भैया? वही तार तो नहीं मिल रही जो हिल गई है। कौन चला रहा था ये टीवी? बबलू। बबलू करवा दिया सत्यानाश अपने भाई से। जब साला इस घर में आता है एक ना एक आइटम खराब करके चला जाता है। भाभी जी एक गिलास पानी पिला दो ठंडा ठंडा। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। भाई ने टीवी फूंक दिया और बहन ये रोड छाप मैकेनिक उठा लाई। ओ भाई साहब रोड छाप मैकेनिक किसे बोल रहे हो? अरे अरे आपको नहीं बोल रहे भाई साहब, वो जो पुराना मैकेनिक आया था ना उसके लिए बोल रहे थे, है ना जी? ये पानी के 2 गिलास भी तो आ सकते थे। ला रही हूँ, घर में घुसे नहीं और महाभारत शुरू कर दी। आज हो जाएगा ठीक। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ कान में आवाज नहीं पड़ रही? अरे बहरा है क्या? मैं बोल रहा हूँ आज हो जाएगा ठीक। अरे भाई साहब कुछ कहा आपने? मैंने कहा जूस वूस मंगाऊं। अरे नहीं नहीं जूस वूस की क्या जरूरत है? अरे डर पानी, ये खाली पानी पीऊं? कुछ खाने पीने को नहीं है घर में? अरे खत्म हो गया है। हाँ खत्म तो होगा ही, जब मायके वाले आके यहाँ बचेंगे तो कुछ बचेगा कहाँ से? साले खाते हैं ऊपर से बांध के और लेके जाते हैं। मेरे मायके वालों को गाली देने की जरूरत नहीं है। साले को साला ही तो कहूंगा या कुछ और कहूंगा? भाई साहब पिक्चर ट्यूब फूक गई इसकी। अब क्या, कबाड़ी जी को बुलाओ, 400-500 रुपए जो दे वो रख लेना। अभी तो इसकी तार ही ली थी, अब पिक्चर ट्यूब फूक गई। नहीं आपका कहने का मतलब क्या है? आपके सामने टीवी ठीक कर रहा हूँ कि कोने पे ले जाके कहीं हथौड़ा मार दिया मैंने इस पे? ए आवाज नीचे। अरे क्यों फालतू में भैया पे गरम हो रहे हो, मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ तो जाओ कर लो बात। भैया एक बात बताओ, जब तुमने टीवी खोला था तब कुछ कुछ तो आ रहा था इसमें? नहीं कहने का मतलब क्या है, मैंने फूंक दिया ये? मेरा वो मतलब नहीं है, मैं ये कह रही थी कि। अरे मैडम जिसको जो समझाना समझाते रहना, मेरे 1000 रुपए दो मैं चला। 1000 रुपए? अरे हाँ 1000 रुपए, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? कोई नूर हीरा मांग लिया क्या मैंने आपसे? 1500 रुपए लगते टीवी खोलने के, मैं तो फिर भी 1000 ले रहा हूँ। जब टीवी में कुछ ठीक हुआ ही नहीं तो 1000 रुपए किस बात के दे दे? मैडम एक बात बताओ, आईसीयू में आपका जानकार एडमिट हो वो मर जाए तो हॉस्पिटल का बिल नहीं भरोगे आप लोग? ज्यादा बातें मत बना, ये अपने औजार समेट और 9-11 ओले चल। ऐसा है ज्यादा तेज आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, अभी 100 नंबर पे कॉल करूंगा ना पुलिस आ जाएगी, 1000 रुपए तो ले लूंगा और 2 लट पड़वाऊंगा अलग, वो भी पिछवाड़े पे। पुलिस की धमकी मत देना नहीं तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अभी। ऐसे चीर देगा टांग पे टांग रख के? हलवा समझ रखा है क्या? अरे भैया क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, आपकी आवाज बाहर तक जा रही है, कल को मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे ये बात अपने पति को समझाओ ना, 4 घंटे से टीवी ठीक कर रहा था तब तो कुछ नहीं हुआ, 15 मिनट हुआ इस आदमी गाये हुए, दिमाग का ट्रांसफार्मर उड़ा दिया। अरे तेरा ट्रांसफार्मर। ये पकड़ो अपने 1000 रुपए और जाओ यहाँ से, हमें नहीं करवाना टीवी भी ठीक। आग दिखाएगा तू। अरे जाने दो उसे, क्यों हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए हो, टीवी खराब हो गया ना नया आ जाएगा, तुम भी बेमतलब। तुम्हें पता है ये टीवी 1992 का है जिसपे ससुर जी वर्ल्ड कप देखा करते थे, सासू माँ नदिया के पार और पूरा मोहल्ला महाभारत देखा करता था। जब जब ये टीवी टांग से नीचे उतरता ना तब तब तुम ये डायलॉग बोलते हो और अब तो ये मुझे भी मुंह जबानी याद हो गया है। डायलॉग नहीं है ये एहसास है माँ बाबू जी का जिसके प्राण तुम्हारे बबलू ने हार लिए। पूरा देश मोबाइल पे देख रहा है वर्ल्ड कप, तुम भी देख लो। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी फोन पे वर्ल्ड कप नहीं देखता। दीदी मैं कोका कोला ले आया। बबलू भाग जा, भाग जा, तो आज तेरी चीजें तुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है दीदी? रुक मैं बताता हूँ तूने क्या किया। अरे बच्चा है जाने दो उसे, रहम करो उस पे। अरे छोड़ो मुझे। अरे तू क्या खड़ा खड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, भागता क्यों नहीं है, जा यहाँ से। अरे हाथ छोड़ो मेरा, अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे बबलू हाथ तो गया। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरे भाई की जान खतरे में, जल्दी से आ जाइए। हाँ लोकेशन मैं भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ। बबलू तू रुकियो मत, तू भागता रही हो। भगवान क्या करूँ।